नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ और नदियों की जो अपन ने अभी 5-6 लेक्चर बना लिए हैं। अपन ने नर्मदा देख ली, चंबल देख ली, ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियों का भाग एक देख लिया। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों का भाग दूसरा आज हम समझेंगे ज़्यादा कि कैसे क्या हो रहा है, ये सब बातें हम बात को बताते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। देखिए, थोड़ा सा हम बात करते हैं। हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया था। हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश का नक्शा बनाते हैं और इसको समझते हैं क्या है। देखिए, यदि हम बात करें अपन ने क्या क्या देख लिया था वो हम सबसे पहले देखते हैं। हमने देख लिया था, देखो कि भाई यहाँ से निकली चंबल, सबको पता है, अपन देख चुके हैं चंबल। यहाँ से निकल रही थी इंदौर है, फिर यहाँ से निकल रही थी काली सिंध, ठीक है, यहाँ से निकल रही थी पार्वती, ठीक है, यहाँ से निकल रही थी सिंध, ठीक है, यहाँ से निकल रही थी बेतवा, ये है केन, ठीक है। हमने बताया था काली चंबल सिंध बेतवा केन, ये काय में मिलना है यहाँ पर नर्मदा में। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, ये है नर्मदा, ठीक है, सॉरी नर्मदा कहाँ कह रहे हैं हम, ये है यमुना, क्या है, यमुना नदी है, ठीक है। अब ये है चंबल सिंध बेतवा के, हम बात कर रहे हैं, ये इंदौर है, इंदौर से निकली थी चंबल, ये देवास है, देवास से निकली काली सिंध, ये सीहोर है, सीहोर से निकली पार्वती, फिर ये है, फिर भोपाल मान लो, भोपाल से फिर रायसेन आ गया। हालांकि यहाँ आएगा वो अपन थोड़ा सा इधर से ले रहे हैं ताकि, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आएगा, रायसेन आ गया, ठीक है, हम नक्शे पे ना जाए, हम सिर्फ चीज़ को समझें, रायसेन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जबलपुर, ये यहाँ पर कटनी के पास से निकलती है केन, तो आपको पता है चंबल सिंध बेतवा केन, ये हो गई काली सिंध, ये हो गई पार्वती। अब देखो, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपको समझना है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि सभी नदियां जो है वो यहां से निकल के यहां जा रही है? यानी एक बात है कि यदि देखा जाए तो ये वाला जो भाग है, यदि मैं इसको यूं कर दूं, मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, आपको ये वाला भाग देखा जाए तो ये वाला भाग जो है ये मालवा का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? मालवा का पठार। और आपको पता है यहां से एक नदी और निकल रही है, यहाँ से एक नदी और निकल रही है, और वो कौन सी नदी है? नर्मदा। ये कौन सी है? नर्मदा, ठीक है। ये वाला जो पठार है ये क्या है? मालवा का पठार है। यहां पर अगर देखें तो इंदौर, ये वाला, चूंकि सभी नदियां ये आपको देखा, इंदौर है, देवास है, सीहोर है, ये एक ही लाइन में, और सभी चीजें यहीं से निकल रही है। यानी अगर देखा जाए तो मालवा के पठार की ऊंचाई यहां ज्यादा है, क्योंकि पानी हमेशा, नदियां हमेशा ऊंचे से नीचे की ओर जाती हैं, ठीक है, कहां जाती हैं? ऊंचे से नीचे की ओर जाती हैं। तो मालवा के पठार की सबसे ज्यादा ऊंचाई इधर है, फिर यहां से नदियां जो है वो नीचे की ओर जा रही हैं, यानी यहां धीरे धीरे ऊंचाई कम होती जा रही है। वैसे भी हम आपको बताएं, मालवा के पठार में अगर देखा जाए तो जो इंदौर है, इंदौर में अपन ने देखा था ये नदी कौन सी है? चंबल। अब चंबल में जो चंबल है, चंबल नदी जो, यहाँ पर अपन इसको सही ढंग से लिख देते हैं, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ये क्या है? चंबल। और चंबल की जो निकलती जाना पाव से, और आपको पता होना चाहिए मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जाना पाव, दूसरी सबसे, आपको पता होना चाहिए, तीन अगर अपन कहें चोटियां हैं तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी सिगार। कौन सी सिगार है? कितनी है? 881 मीटर, महू में ही है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जाना पाव, वो कितनी है? 854 मीटर। और तीसरी है धजारी, और धजारी चोटी है 810 मीटर। तो यदि कहा जाए तो मालवा के पठार, जो मालवा का पठार है वो इस तरह से है। यहां वाले जो जिले हैं वे हैं इंदौर, धार, अगर अपन कहें कि देवास, ये वाले जिले जो है ना ये ऊंचे पे हैं, और यहां पर जो है वो नीचाई है। यहां पर तो नदियां यूं जा रही हैं, कैसे जा रही हैं? नीचे। मतलब इंदौर से अगर जितनी भी नदियां हैं जो यहां से निकल रही हैं
वो कहां जा रही हैं? उत्तर की ओर जा रही हैं। मालवा के पठार से निकलने वाली सभी नदियां लगभग कहां जा रही हैं? उत्तर की ओर जा रही हैं। उत्तर की ओर मतलब अगर अपन कहें तो या तो राजस्थान में जा रही हैं या फिर यूपी में जा रही हैं। ये राजस्थान में यहां पर और यूपी में यहां पर, ठीक है। और कुछ यमुना में मिल रही है, कुछ जाकर के आगे बढ़ रही है। हाँ, एक और नदी है यहां पर, चाहो तो एक और नदी ले सकते हो, धार। धार में एक और नदी निकलती है जिसका नाम है माही। माही भी जो है वो यहां से निकल रही है, धार माही यहां से निकली और यहां पर झाबुआ रतलाम होते हुए कहां चली जाती है? राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान में यहां पर एक जिला है, रतलाम से लगा हुआ जिला है और वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा, वहां चली जाती है बांस बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जाती है, बांसवाड़ा से फिर आगे बढ़ती है, ठीक है। बांसवाड़ा से फिर राजस्थान में ही प्रतापगढ़, डूंगरपुर और वहां से फिर गुजरात में चली जाती है। हम गुजरात भी देखेंगे क्या है। गुजरात में जाकर के ये कहां पर? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो तीन नदियां हो गई खंबात की खाड़ी में गिरने वाली। एक हो गई नर्मदा, दूसरी अपन ने यहां से देखी थी तापी। कौन सी? तापी, ठीक है। और तीसरी अपन ने हो गई माही, ठीक है। चौथी एक और गिरती है, साबरमती। चार नदियां, साबरमती में मैं आपको बताऊंगा, ये निकलती राजस्थान से है और गुजरात में। तो अपन राजस्थान और गुजरात का नक्शा भी अभी देखते हैं तो अपन को पता चल जाएगा, क्योंकि खंबात की खाड़ी अब इतनी महत्वपूर्ण हो गई। तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली चार नदियां आप याद रखिए, नर्मदा, तापी। कौन सी? ये कौन सी होगी बेटा? नर्मदा, ठीक है। दूसरी हो गई तापी या ताप्ती। तीसरी हो गई माही। कौन सी? माही। माही कहां से निकलती है? धार जिला है। धार जिले की एक तहसील है, सरदारपुर में एक धार जिले की एक तहसील है, उसको कहा जाता है, वहां से निकलती है माही। और माही धार के तीन जिलों मुख्यतः धार, झाबुआ और रतलाम में बहती हुई कहां चली जाती है? राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से होती हुई मुड़ जाती है। अभी अपन देखेंगे माही के बारे में। तो ये ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा? देखो हर जगह से नदियां निकल रही हैं, धार से माही, इंदौर चलो चंबल, और इंदौर और चलो देवास काली सिंध, सीहोर चलो आप धार से भोपाल जाइए या रायसेन जाइए, आपको नदियां एक एक नदियां आप देखते चलिए। धार चले माही, इंदौर चले चंबल, देवास चले काली सिंध, सीहोर चले पार्वती, भोपाल और रायसेन चले बेतवा, रायसेन चले बेतवा। तो इससे नहीं लग रहा कि मालवा का पठार का जो है, तो मालवा के पठार का यदि हम कहें दक्षिणी भाग ऊंचा है और उत्तरी भाग, यदि मालवा का पठार लिया हमने, ये मालवा का पठार है, ठीक है। अब मालवा का पठार मैंने अगर अपन इसको देखें कि भाई हमने ये मालवा का पठार बना दिया, ये हमने ले लिया मालवा का पठार, इतने से हम चीज में समझा देते हैं। तो मालवा के पठार में अब ये चार दिशाएं, ये साउथ हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई। तो मालवा के पठार का कौन सा भाग ऊंचा है? ये वाला भाग ऊंचा है, तभी तो सभी नदियां कहां से निकल रही हैं? यहां से निकल रही हैं। और कहां जा रही हैं? यहां की ओर जा रही हैं। मतलब अब आप इस बात से ये समझ सकते हो कि मालवा, अगर आपको अब लिखने को आए कि मालवा के पठार का कौन सा भाग ऊंचा है, तो ये वाला भाग ऊंचा है। और अब ये मालवा का पठार है, इसके बाद यहां पर मध्य भारत का पठार है, फिर यहां पर अपन कहें कि बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, मैं आपको उसके भौगोलिक प्रदेश में, जब हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को ये भौगोलिक प्रदेश समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है कि हम इसको याद कैसे करें। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि मध्य प्रदेश एक पठारी प्रदेश है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश कैसा प्रदेश है? एक पठारी प्रदेश है। पठार तो आप जानते हो, जो ऊपर उठा हो, ठीक है। और ऊपर उठाओ, इसलिए सभी नदियां कहां से निकलेंगी? मध्य प्रदेश से निकलने वाली हैं। अब मध्य प्रदेश से सभी नदियां निकलेंगी, अब इसीलिए मध्य प्रदेश को हम नदियों का मायका भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊंचा है और सभी नदियां नीचे निकलना है। सभी नदियां क्या निकलेंगी? ऊपर से इधर उधर। तो चूंकि ये क्या है, मध्य प्रदेश ऊंचा भाग है, इसको अपन बोलते भी मध्य उच्च प्रदेश में आता है, ये वाला भाग
मध्य ऊपर उठ गया, ठीक है। तो ये मालवा का पठार, ठीक है। तो सभी नदियां कहाँ जा रही हैं बेटा, इधर की ओर जा रही हैं। सभी नदियां कहाँ जा रही हैं, इधर की ओर, यानी ये वाला भाग ऊंचा, ये वाला भाग नीचा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, माही नदी हो गई, ठीक है। अब आपको पता ही होना चाहिए ये जो पूरा पर्वत श्रेणी है जिसे मालवा का पठार आता है, ये सब ये कहलाती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या कहलाती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और ये वाली जो श्रेणी कहलाती है ये कहलाती है सतपुड़ा, हालांकि इसको बोलते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये वाला भाग पूर्वी भाग, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग मैकल श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सिंपल सी हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम लिखें क्या। अगर आपको लिखने को आता है तो आपको पहली लाइन लिखना है कि मध्य प्रदेश एक पठारी प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, एक पठारी प्रदेश है, यहां कई पठार पाए जाते हैं, ठीक है। अब पठारी प्रदेश है तो मतलब ऊंचा प्रदेश है, ठीक है। तो ये वाली जो ये वाला क्या है, ये कहलाती है विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये कहलाती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों के बीच से निकलती है नर्मदा। आपको सबको पता है कि नर्मदा एक भ्रंश घाटी से बहती है, रिफ्ट वैले से बहती है। रिफ्ट वैले किसे कहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं रिफ्ट वैली क्या होती है। तो यहां पर आपको बातें समझ में आई होंगी पूरी, क्या हो गया रिफ्ट वैली आप सभी जानते हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा यहां पर हालांकि सभी जानते हैं फिर भी थोड़ा सा देखिए। रिफ्ट वैली क्या होती है, भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। मान लो मैंने कहा एक पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत में कभी किसी कारण दरारें पड़ जाए, ठीक है। अब दरार पड़ने के कारण ये वाला भाग या तो नीचे धस जाए या ये दोनों भाग ऊपर उठ जाए, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, यदि ये नीचे धसा तो ये अपनी कंडीशन में है, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर, ये रहा यहां पर, और ये वाला भाग जो है नीचे धस गया। कौन सा, ये वाला भाग नीचे धस गया। तो ये जो है इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, क्या बोलते हैं, रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो यहां से तो एक और जो ये माउंटेन उठ जाते हैं इनको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। तो भ्रंश घाटी, नर्मदा घाटी किनके, नर्मदा नदी किन दो के बीच बहती है, नर्मदा नदी दो के बीच बहती है, कौन कौन से, एक को कहते हैं हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दूसरे को कहते हैं हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और एक किन के बीच बहती है, दो पर्वतों के बीच। अब हम आगे की बात करते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी, ठीक है, क्या बनाती है, कहां गिरती है। गिरने को तो आपको बता दिया हमने कि ये चार नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, हां माही, ये भी कहां गिरती है, खंबात की खाड़ी में। एक और नदी है साबरमती, वो भी कहां गिरती है, खंबात की खाड़ी में। और एक और नदी है लूनी, वो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती, वो कच्छ में चली जाती है, कच्छ के रण में चली जाती है। कौन सी नदी, लूनी नदी। तो ये जो है हम थोड़ा सा, चूंकि नर्मदा खंबात की खाड़ी में जा रही, तापी खंबात की खाड़ी में जा रही, माही खंबात की खाड़ी में जा रही, तो क्यों ना हम थोड़ा सा खंबात की खाड़ी देख लें, थोड़ा सा गुजरात थोड़ा सा देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी बातें। देखें हमको पूरी बातें समझ में जरूर आनी चाहिए, हर चीज नक्शे सहित। जैसे जैसे अगर अपन थोड़ा सा, हालांकि गुजरात से हमको कोई मतलब नहीं है और हमको उसके नक्शे से भी कोई मतलब नहीं है, ये अगर अपन कहे ये गुजरात है इस तरह से, तो गुजरात में यदि आप देखोगे ये वाला जो है यहां पर पानी भरा हुआ है, यहां पर क्या जुड़ा है, मध्य प्रदेश, यहां महाराष्ट्र, यहां राजस्थान, ये जुड़ा है राजस्थान, ठीक है, ये जुड़ा है राजस्थान, ये जुड़ा है यहां पर थोड़ा मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहां पर जुड़ा है फिर अपना महाराष्ट्र, ये जो है ना ये गुजरात है। तो गुजरात में यहां पर क्या भरा है, ये पूरा क्या भरा पड़ा है, पानी भरा है, यानी ये क्या है, अरब सागर है, ये क्या है, अरब सागर है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, क्या कहा जाता है इसको, खंबात की खाड़ी, ये जो है ये है खंबात की खाड़ी, क्या है,
खंबात की खाड़ी, और ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। अब खंबात की खाड़ी ये है, तो यहां पर है सूरत, यहां पर है सूरत, ठीक है, यहां पर है भरूच, ध्यान रखना भरूच। तो यहां पर आकर के वहां से आ रही है कौन, और यहां पर आकर के गिरती है नर्मदा, कहां पर, यहां पर, और यहां पर आकर के गिरती है ताप्ती, कहां पर गिर रही है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। तो ये कौन सी गिर रही है, ध्यान रखना भरूच के पास यहां क्या गिर रही है, नर्मदा, यहां सूरत के पास क्या गिर रही है, ताप्ती, ये सूरत है, ये भरूच है। फिर यहां से आती है एक और नदी लूनी, कहां से आ रही है, गुजरात, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश से नहीं आती, लूनी, लूनी क्या, माही, कहां चली जाती है, धार से निकलती है, झाबुआ जाती है, रतलाम जाती है, बांसवाड़ा जाती है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और फिर आ जाती है राजस्थान, गुजरात में, गुजरात में होती हुई ये यहां से, यहां से आकर के यहां गिरती है, कहां पर, यहां पर, ये कौन सी है, माही, ठीक है। और एक और नदी यहां पर गिरती है जिसका नाम है साबरमती, कौन सी नदी, एक और अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है, और आपको पता है साबरमती नदी के किनारे ही गांधी जी का आश्रम था। तो यहां पर जो है एक और नदी आकर गिरती है जिसका नाम है साबरमती, कहां पर, यहां पर, अगर अपन बना ले, हालांकि यहां पर बना, ठीक है, यहां पर अगर अपन बना, तो एक और नदी गिरती है और वो है साबरमती, ठीक, इसको छोड़ो, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा, ठीक, ये साबरमती, तो ये चार नदियां जो हैं मेनली यहां पर आकर गिरती हैं, भरूच, सूरत के पास ताप्ती, भरूच के पास नर्मदा, साबरमती, ठीक है, और ये माही, ठीक है, कौन सी गिरती, साबरमती और माही, और एक और आती है राजस्थान से और वो होती है लूनी, और लूनी नदी जो है वो चली जाती है कच्छ के रण में, कहां चली जाती है, कच्छ के रण में, ये है लूनी नदी, ठीक है। तो ये तो हुआ थोड़ा सा गुजरात, गुजरात का भी आप चाहें तो एक बार पूरे इसके जिले बना ले तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ये कच्छ की खाड़ी है, तो यहां पर एक और बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, कांडला बहुत, मुंद्रा, मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, ये सब कहां है, एक कच्छ की खाड़ी में, कई बार ये भी पूछ जाता है। और ये पता ही आपको क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि नर्मदा नदी कहां गिरती है, तो अरब सागर भी आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं खंबात की खाड़ी, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम और एक थोड़ा सा देखेंगे ताकि आप लोगों को सब चीजें समझ में आ जाए। धन्यवाद।